गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज रचना फ्रॉम बटन बोज, होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइज आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा येट बहुत ही एक इफेक्टिव अमेजिंग फेस मास्क मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, पिम्पल्स है आपकी स्किन में, या फिर एक्टिव एक्ने हैं आपकी स्किन में, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मास्क दैट यू कैन चूज़। ये हेल्प करता है आपके एक्ने को क्लियर करने में, हेल्प करता है पिंपल्स को रिड्यूस करने में, हेल्प करता है एंड इंस्टेंटली आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। सो आप ज़रूर इस मास्क को ज़रूर ट्राई करना। एंड यस, अगर आपकी स्किन ड्राई हो या सेंसिटिव हो तो आप ज़रूर इस मास्क को ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये मास्क आपके स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है ये मास्क। सो मैंने यूज़ किया है ओनली टू इंग्रेडिएंट्स, यस दो इंग्रेडिएंट्स का ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मास्क है। सो आप ज़रूर इसको ट्राई करना, और अगर आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं आपके साथ और भी बहुत सारे होम रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, विच जो मैंने खुद पे ट्राई किए हैं एंड दे आर लाइक अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है सारे के सारे होम रेमेडीज़। इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हनी। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ हनी यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून ऑफ दालचीनी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेमन पाउडर बोलते हैं इसको। ये दालचीनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके एक पाउडर बना लिया है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ एंड इसका एक पेस्ट बना लेना है हम लोग को। सो हमारा जो ये पेस्ट अब बन के रेडी हो गया है, ये कुछ इस तरह दिखेगा। सो गाइज अगर आपको पिंपल्स की बहुत प्रॉब्लम है एंड आप चाहते हो कि आपके पिंपल्स बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। ये जो पेस्ट है आपको पूरे आपके फेस पे आपको लगा के 10-15 मिनट्स आपको वेट करना है, जब तक वो ड्राई ना हो जाए, एंड देन आपको सिंपल वाटर के साथ इसे वॉश ऑफ कर देना है। इसको आपको लगाना है एटलीस्ट ट्वाइस, आपको लगाना है वीक में। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ही डल हो गई हो तो आप इस पेस्ट को लगा सकते हो, ये आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जिसमें जो मैंने हनी यूज़ किया है वो आपके मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है हनी में, जो आपके फेस पे या स्किन पे जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में हेल्प करता है। और जो इसमें मैंने दालचीनी का पाउडर या सिनेमन पाउडर मैंने यूज़ किया है, उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। ये एज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एजिंग का काम करता है, प्लस इसमें ये रिच होता है एंटी ऑक्सीडेंट से, आपके स्किन को हील करने में हेल्प करता है, आपके जितने भी स्कार्स है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन फ्लॉलेस दिखती है। सो गाइज आप इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करो एंड अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।